धारा 133 दो के तहत कानून लागू कर दिया कि जो सरकारी इंस्टीट्यूट होंगे टीचिंग इसके एजुकेशन के उसके अंदर जो है वो ड्रेस कोड रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हिजाब को लेकर एक बड़ा विवाद बना दिया गया। देखिए हमारी ये मांग है कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर कहीं भी एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए, किसी को भी धार्मिक पोशाक पहनने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि किताब चाहिए या हिजाब चाहिए, दोनों में से एक चीज मिलेगी। लाइव तस्वीरें इस वक्त जम्मू से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल का यह कहना है कि हिजाब या किताब धारा 133 दो के तहत कानून लागू कर दिया कि जो सरकारी इंस्टीट्यूट होंगे टीचिंग इसके एजुकेशन के उसके अंदर जो है वो ड्रेस कोड रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हिजाब को लेकर एक बड़ा विवाद बना दिया गया। देखिए हमारी ये मांग है कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर कहीं भी एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए, किसी को भी धार्मिक पोशाक पहनने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि किताब चाहिए या हिजाब चाहिए, दोनों में से एक चीज मिलेगी। को छेड़ा या मारा कुछ ऐसा मुझे वीडियो में कहीं भी प्रतीत नहीं हुआ। देखिए कहीं भी कौन सा मुझे बताइए कौन से मुस्लिम को प्रताड़ित किया गया है। यहाँ पर IAS अफसर भी मुस्लिम है, यहाँ पर बड़े बड़े दायित्वों के ऊपर बैठे मुस्लिम है। आप पाकिस्तान जाइए ना, वहाँ पे हिंदू कौन से दायित्वों के ऊपर, ये भी सोचिए। यहाँ पे पूर्ण रूप से आजादी जो है सभी धर्मों को है, लेकिन ये कुछ नेता जो हैं यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन चाचा कहते हैं कि हमें देश के प्रधानमंत्री पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है पूरा भरोसा है, तो कई शरारती तत्व जो है इस पूरे मुल्क के अंदर जो है वो तुल देने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? देखिए हम केंद्र सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि कौन सी वो ताकते हैं, देशद्रोही ताकते हैं जो इसको हवा दे रही है और पीछे से पुछ कर रही है। देखिए ये लड़की जो थी मुस्कान, इसका इंटरव्यू पाकिस्तान में भी लिया गया, BBC में भी लिया गया, तो मुझे बताइए वो कौन सी ताकतें जो पाकिस्तान तक पहुंच गई। देखिए मैं पूछना चाहता हूं कि ये ताकतें कौन है। ये केंद्र सरकार का काम है कि उनको ढूंढ निकालना, और जो वो ताकतें जो 5-5 लाख रुपए इनाम बांट रही है, तो कल को दूसरे धर्मों के लोग भी 10-10 लाख रुपए बांटेंगे, तब क्या स्थिति पैदा होगी, ये भी सोचने का विषय है। तो इसलिए सरकार को इसके ऊपर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई उन देशद्रोही ताकतों के ऊपर करनी चाहिए, उन नेताओं के ऊपर करनी चाहिए जो लोग इनको हवा दे रहे हैं। राकेश जी ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में जा चुका है, तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट पर आपको कितना भरोसा है कि ये जो फैसला है वो अच्छा फैसला आएगा? देखिए मद्रास हाईकोर्ट और कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है देश संविधान से चलेगा, धर्म के ऊपर नहीं चलेगा। और जो कर्नाटका हाईकोर्ट है उसने 200 मीटर की दायरे के ऊपर 146 लगा दिया, और स्कूल के अंदर कोई भी धार्मिक पोशाक पहनने के ऊपर रोक लगा दी है। लेकिन आपने कल राजस्थान में देखा एक लड़की वो कॉलेज के अंदर पहुंच जाती है हिजाब पहन के, तो ये इस क्या दर्शाता है मुझे बताइए आप। पहले नहीं जाती थी लेकिन कल पहुंची वो, तो ये कोई ना कोई पुश कर रहा है इनको, कोई ना कोई माहौल बिगाड़ रहा है। बिल्कुल 100% सियासत, जम्मू कश्मीर के अंदर भी माहौल खराब करने का काम जो है उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के साथ जोड़कर देख सकते हैं आप इसको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। सुधीर ओवैसी कह रहे हैं फंडामेंटल राइट है कैसे छीनेंगे, आप जानते हैं सुधीर ओवैसी हमेशा आर्टिकल्स की बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें भी वो कह रहे हैं कैसे छीन लेंगे तो अधिकार है। मुझे तो लगता है सबसे पहले बयान ओवैसी ने दिया इसके ऊपर, और मुझे लगता है कि ओवैसी, तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।